प्रार्थना करके उनका हृदय कृपा वाचा करता हूँ। तत्पश्चात कृपानंद गुरुवर्ग शुभार्थ बोले प्रभु श्री राधा गोविंद जी हूँ। आप सभी श्रोताए वैष्णव विष्णु सभी चरण में शंकराचार्य के दंड प्रणाम स्वीकार हो। श्रीमद भागवत कथा श्रवण करते करते इस प्रेम रूपी गंगा को बहाते बहाते देखो आपके वृंदावन से बहते बहते लेवल लोहारी गांव में आ गए। और आज चार दिन हो गया है ना, आज चार नंबर दिन में सारे भागवत जी का अवतार कथा है। नृसिंहदेव भगवान वामन देव कृष्ण और अन्य सारे कथा आप लोग श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी पर चतुर्थ स्कंद में श्रीमद भागवतम में ध्रुव महाराज जी के चरित्र को वर्णन करें, ध्रुव महाराज जी के चरित्र को वर्णन करें। बोले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई। फिर ब्रह्मा ने देखा कि भैया इस संसार को सृष्टि करूंगा, इसीलिए ब्रह्मा के दाएं अंग से श्री मनु महाराज और बाएं अंग से ये शत्रुपा देवी सृष्टि हुई। फिर मनु महाराज जी ने शत्रुपा देवी के मिलन से हम लोग के पूरा का पूरा सृष्टि, मनु महाराज जी की सृष्टि के कारण हम लोग को बोला जाता है मानव। हम लोग क्या है? मानव। इसलिए मनु महाराज जी के हम लोग वंशज हैं, मनु महाराज जी की सृष्टि है। तो मनु महाराज जी के विशेष करके पांच संतान हुए, दो पुत्र और तीन पुत्री। बोले तीन पुत्री कौन? आहुति, देवहूति और विश्रुति। बोले दो पुत्र कौन कौन है? प्रियव्रत और उत्तान। तब चतुर्थ स्कंद में ये उत्तान का वंश को वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जय उत्तान पारस्य जिनके पैर ऊपर की तरफ हो और सर नीचे की तरफ। हम लोग देखा जाए तो मातृगर्भ में हमारे लिए ऐसे ही स्थिति है। हम जब कोई जीव अगर मातृगर्भ में आता है तो बताओ कैसे आता है? उसका पैर ऊपर की तरफ होता है और सर नीचे की तरफ होता है। लेकिन ये उत्तान पाद का दो पत्नियां हैं, सुरुचि सुमति स्तयो, दो पत्नी है। एक के नाम है सुरुचि और दूसरे के नाम है सुनीति। बोले सुरुचि का अर्थ क्या है? बोले स्वच्छ दुधि यश्य सुरुचि। बोले सुनीति का नाम क्या है? सुष्ठुर नीति यश्य सुनीति। जो नीति को अवलंबन करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, शास्त्र में जो चीज बताया गया है भैया ये चीज करने से अमुक दोष होगा, पाप होने का विचार करते हैं, शास्त्र को मान के जो लोग चलते हैं वो है सुनीति। तो देखो हम भी विचार करें तो हम भी उत्तान पाद ही, क्योंकि हम मातृगर्भ में जब आए हमारा भी सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ था। देखो भैया हमारा भी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। पर सुरुचि क्या है? जो अपने अपने रुचि में करते हैं। आज मन करे, मन किया तो भैया चलो थोड़ा बाहर घूम आए, मन मर्जी जो करते हैं, जो किसी बात को कोई परवाह नहीं करते, शास्त्र वास्त्र में विश्वास नहीं करते। मन किया चलो भैया कल रूप में खा लेंगे, मन किया चलो थोड़ा ब्यूटी पार्लर में सजा सजा करके आ जाएंगे, मन किया चलो थोड़ा बाहर घूमघाम करके सिनेमा देख के आ जाएंगे, मन किया माताएं बैठ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अपने मन मार्जी करते हैं, ये होते हैं सुरुचि। और सुनीति क्या है? देखो जगत में बहुत सारे नीतियां हैं, कूट नीति, चाणक्य नीति, ज्ञान नीति, इस प्रकार जगत में बहुत सारे नीतियां हैं। सबसे श्रेष्ठ जो नीति बताए गए हैं वो है विदुर नीति। विदुर जी की नीति को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। बोले क्यों? बोले आप सब लोग महाभारत देखे होंगे, जिस समय ये विदुर जी ने, ये कौन थे? बोले ये मंत्री थे, धृतराष्ट्र के मंत्री थे। धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, अरे पंच पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे, कौन से तुम्हारे राज्य में कोई संपत्ति
गांव के अथोले संपत्ति भी नहीं दिया। तब विदुर जी ने उनको बहुत समझाया, विदुर जी ने समझा करके अंतिम में विदुर जी उसी स्थान को त्याग करके तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। इसलिए ये विदुर जी की सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए देखो जिस समय कृष्ण ये हस्तिनापुर में आए महाभारत के शांति प्रस्ताव लेके, भैया इतना बड़ा युद्ध क्यों होगा, युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे, शांति चुप्ति कर लेते हैं। उसी समय दुर्योधन ने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग बनाया। लेकिन कृष्ण ने बोल दिया, भाई मैं अब भोग नहीं है, अब मैं यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव के लेकिन दूसरे पक्ष में विदुर के यहाँ जाते हैं और विदुर के यहाँ जाके भगवान ने विदुरानी को बोलते हैं, बहुत तेज की भूख लगी, खाना खिलाओ। क्यों? क्योंकि विदुर ने अपने नीति के माध्यम से, विदुर ने अपने भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया। इसलिए भगवान भक्तोग्राही नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। इसलिए कीर्तन है ना, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंचे। Thank you.
कोई जय कोई रह गया। जोर से बोलो वृंदावन बिहार की जय। तो भगवान प्रेम के वशीभूत है, भगवान द्रव्य ग्राही नहीं है, इसलिए बोला गया है भाव ग्राही ग्रहण। भगवान भक्तों को भाव को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे सुनीति और सूरज की बात चलेगी। सूरज जी मतलब अपने अपने जीवन में है जो आचरण करते हैं, मन मार्जी करने को सूरज जी करते हैं। देखो दो तरीके के रास्ता है, दो तरीके के रास्ता है। एक रास्ता, दो रास्ता ही 100 किलोमीटर की है। एक रास्ता में 10 किलोमीटर तक थोड़े देर तक तो भूल है, फिर बाद में काटो ही काटो, फिर लास्ट में जाके गड्ढा है, गड्ढा निकलो। और एक रास्ता में 10 किलोमीटर काटे फिर बाद में भूल है और अंतिम में ठाकुर जी। मतलब कौन से रास्ता में जाओगे? जो फूल वाले रास्ते में जाओगे, भले क्यों ना कष्ट हो, थोड़ा बहुत कष्ट झेल करके फूल वाले रास्ते में फिर तो चलना ही है, फिर ठाकुर जी के पास पहुंचेंगे। तो देखो कि सुरुचि पुत्र उत्तम आमा, बोले सुरुचि का पुत्र उत्तम, अपने रुचि से करने से भैया उत्तम फल कैसे मिलता है? तो बता रहे हैं ये वो प्रकार का उत्तम नहीं है। उर्गत समय की उत्तम, पहले तो बढ़िया रहेगा, पहले तो बढ़िया रहेगा, फिर काल बनेगा, फिर काल बनेगा। जो भैया लोग गुटखा आदि खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, पहले तो बढ़िया लगता है। जो शराब पीते हैं उनको पूछो भैया शराब पी के कैसा लग रहा है, बोले अरे स्वर्ग में पहुंच गया है, ऐसा लग रहा है। पहले तो बढ़िया लगेगा भैया, फिर बाद में किडनी लीवर खराब करके अपना काल करेगा। जो चाय भी पीते हैं पहले तो बढ़िया लगेगा, लेकिन एक दिन अगर चाय नहीं पियो तो देखो सर में दर्द, लीवर में दर्द, पता नहीं पेट में दर्द, लीवर में इन्फेक्शन, क्या क्या हो जाता है। इसलिए पहले तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में काल होगा, इसलिए वो बोला गया है उर्गत समय के उत्तम। लेकिन सुनीति उनके पुत्र ध्रुव महाराज ने, बोले ध्रुव मतलब क्या है? ये ध्रुव मतलब सत्य है, ध्रुव मतलब निश्चय है, ध्रुव मतलब साक्षात भगवान है। इसलिए जीवन में हर समय सुनीति को अपनाना चाहिए। हम लोग हर समय क्या करते हैं, रुचि को ही अपना लेते हैं, रुचि को ही अपना लेते हैं। जैसे नीति कह रहे भैया सुबह सुबह प्रातः काल में जल्दी उठो, लेकिन रुचि कह रहे हैं सर्दी के मौसम में अलार्म को 4 बजे लगाए, 6 बजे तक बजते रहे हम उठे। बोले सुबह सुबह नीति कह रहा है कि भगवान के नाम करो, माला पकड़ करके बैठो, लेकिन रुचि कह रहा है कि माला पकड़ने से क्या होगा, मोबाइल पकड़ के बैठते हैं। सुबह सुबह नीति कह रहा है कि भैया सत्संग करो, आपस में सत्संग करो, एक दूसरे की गलोदर की परिचर्चा मत करो, लेकिन रुचि कह रहा है सत्संग से क्या लाभ है, हम तो अपने मनमार्जी करेंगे, पड़ोसी से लड़ाई करेंगे। इसलिए रुचि को जो अपनाए उनका हर समय पतन ही होगा, उनका बाद में काल आएगा, काल पर पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन शास्त्र को नीति को जो अपनाए वो उनके भगवान को प्राप्त करेंगे। आप बता रहे हैं सुरुचि प्रेषी पत्यु, यानी उत्तान पाद का कितने पत्नियां हैं बताओ, कितने बिंदी है उत्तान पाद का? 2, सुरुचि और सुनुति। तो बता रहे हैं कि उन्होंने सुनीति को कभी नहीं अपनाया। अनदेखा ही, तुम राजा के पुत्र अवश्य हो सकते हो, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते। कैसे विमाता है, हम लोग संसार में कोई छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसको चाहे प्यार करने के लिए, लाल प्यार करने के लिए उसको अपने गोद में ले लेते, चाहे किसी का भी ना हो। ध्रुव महाराज जी तो क्षत्रिय है, मानो जैसे एक सांप को, चलते हुए सांप को जैसे दंडा मार देते हैं, यहाँ पे ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं दंडा मार देते हैं, ऐसे दंडा मारने के सदृश सांप कैसे होता है, फन करने लगता है, फन उठाने लगता है, फुटकार करने लगता है। ध्रुव महाराज जी जन्म से क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के कारण अपमान सहन नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा माता तो चलो जो भी हो, पिता तो मेरे हैं, पिता कहीं ना मुझे गोद में उठा ले, पापा की तरफ देख रहे हैं ध्रुव महाराज जी। लेकिन हाय रे विधाता, पिता भी सुरुचि के पूर्ण वशीभूत है, इसीलिए छोटे से ध्रुव बार बार हाथ उठाने पर भी वो उनको गोद में नहीं ले। इतने में ध्रुव महाराज जी बड़े गुस्से हो गए, रोते हुए बिलखते हुए ध्रुव महाराज जी
अपने सुनीति माता के पास गए। तो जोर से थोड़े थोड़े आ रहे हैं रोते हुए। सुनीति माता ने दूर से ही देख लिया और देख करके सुनीति माता ने उनको ध्रुव महाराज जी को गोद में लेके बोलते हैं, अपने पल्लू लेकर ध्रुव महाराज जी को अश्रु आंसू को पहुंच करके बोले, बेटा क्या हुआ? उस समय कुछ दासियां भी उसी समय उसी स्थान पे थे। दासियां बोलने लगे, छोटे छोटे महलों में तो सुनीति माता का अपमान होता था, आज राजकुमार का हो गया, आज राजकुमार का अपमान हो गया। तब सुनीति माता ने भी बड़े दुखी हो गए, माता सुनीति भी बड़े दुखी हो गए। अरे अबाला सुनीति माता, मेरे बेटे मर गए थी, तुम्हें पिता की गोद में बैठने की बेटा क्या जरूरत थे, तुम्हें पिता की गोद में बैठने की क्या जरूरत थे? देखो उनका नाम भी सुनीति है, इसलिए उन्होंने गुस्सा नहीं किया, शास्त्र को अपनाते ना, इन्होंने गुस्सा नहीं किया। आज कल के माताएं होते तो क्या करते, हाथ पकड़ के ले जाते, बोले चल कैसे तेरे पिता ने तुझे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोला। उन्होंने ये बात बोला कि जिन भगवान को पाने के बाद
जीव जन्म मृत्यु के योनि से भटक जाता है, चौरासी लक्ष योनि में है और जीव को आना नहीं पड़ता। जगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम को जाने के बाद इस जगत में और दोबारा आना नहीं पड़ता है, फिर वो अपने मैं तो बैठ जाइए। तब उसी समय वो बोल रहे हैं कि जिस भगवान को प्राप्त करने के बाद और जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं होता। लेकिन सुरुचि माता ने बोल रही है कि मेरे गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, तो अपने गर्भ को क्या बैकुंठ जैसा मान ले? अरे टट्टी पिसाब का ये थली है, इसको क्या बैकुंठ से अधिक मान रही है? ये बात उसने खराब बोली। इसीलिए है बेटा, तुम भजन करो, तुम भगवान के भक्ति करो, ये सुनी थी माता के लिए। और बोल रही है देखो ये पिता की गोद कब तक रहेगा, ये विमाता के वचन कब तक रहेगा, ये मेरे लाड़ प्यार कब तक रहेगा? अगर बैठना है तो तुम उस भगवान के गोद में जाके बैठो। तुम भगवान के गोद में बैठोगे तो तुम्हें चिरकाल तक उनके गोद में बैठोगे। कोटि बात्सल्य सिंधु, अनंत कोटि बात्सल्य प्रेम वो तुम्हें प्रदान करेंगे। ध्रुव महाराज जी तो माता को प्रणाम करके वन के तरफ चलना शुरू कर दिए। और छोटे से ध्रुव महाराज जी कभी यहाँ खेलने कूदने टॉपिक आने की समय है, अब छोटे इतने उम्र में वो वन के तरफ जंगल में जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। नारद जी देखे, नारद जी सोचने लगे भाई कहाँ छोटे बच्चे, चलो परीक्षा दे, चलो कृपा कर लो। तब इतने में नारद जी आते, बिना बजाते हुए नारद जी आए। बोले ध्रुव महाराज जी, नारद जी को प्रणाम किए। नारद जी बोले अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो, ये तो तुम्हारे खेल कूद करने के लिए समय है, कहाँ जा रहे? नारद जी बोले भैया क्या देख रहे हो? ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं अरे नारद जी आप देख असली नारद हो या डुप्लीकेट नारद हो देखना, क्या आप सचमुच में वो नारद हो जो जीव को भगवान के पास ले जाते हैं? क्या आप सच में नारद जी हो? हमने तो सुना था जिसको नारद जी के कृपा हो जाए, जिसको नारद जैसा संत मिल जाए, ओ उनको नारद जी भगवान के भक्ति सिखाने वाले। आप तो मुझे डरा भूसा करके बहका करके फिर माया में भटका रहे, फिर माया में ढकेल देना चाहते हो, आपके सचमुच नारद जी हो? नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ये पक्का चेला बनेगा, ये पक्का चेला बनेगा नारद जी। इसीलिए नारद जी वहां पे निधि तरई न कोई जो बेरंजी शंकर क्षमा होई। बिना गुरु के इस जगत में कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और इतने में नारद जी ध्रुव महाराज जी को बड़े सुंदर से समझाते बुझलाते हुए भगवान को भक्ति का उपदेश देते हैं। देखो बढ़िया बात कह रहे हैं नारद जी भगवान के बड़े सुंदर दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भगवान दिखने में कहते हैं चतुर्भुज रूप है, भगवान के बड़े सुंदर मुकुट है, गले में बड़े सुंदर भगवान के वैजयंती माला है, पीतांबर धारण कर रखे हैं, भगवान के सुंदर रूप बताए। अब इतने में ध्रुव महाराज जी बोले कि मैं कहाँ जाके भजन करूं? तब नारद जी ने ध्रुव महाराज जी को भजन के स्थान बताते हैं। बोले तत्तात गच्छ भद्रं ते जमुनाय तटं सुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। नारद जी ने ध्रुव महाराज जी को भजन के दो विशेष अनुकूल चीज प्रदान किया। बोले क्या प्रदान किया? बोले सबसे पहले तो वृंदावन धाम, ब्रज धाम, ब्रजवास करने का सौभाग्य प्रदान कर। वृंदावन धाम देखो, अभी यहाँ पे भागवत कथा चल रही, अब भागवत कथा में मन हम लोग पूरा डूबे हुए हैं। आपको बोला जाएगा तो एक दो माला आप यहाँ पे माला पकड़ा दिया जाएगा कि आप बोलो एक माला करो, तो आप प्रेम पूर्वक एक या चार माला कर लोगे यहाँ बैठे बैठे। और घर के अगर भजन अगर अनुकूल परिवेश हो तो, लेकिन प्रतिकूल परिवेश हो तो, मानो जैसे कोई घर के सामने बारात जा रहे है और आपको माला पकड़ करके बोला जाएगा भैया माला कर, माता है लड़ाई कर रहे हैं और बोला जाएगा भैया माला कर, लोग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिकूल। जी ने अनुकूल परिवेश दिया, भजन के उपयुक्त परिवेश दिया। क्या है वो? न वृंदावन
जिस ब्रज धाम के महिमा ब्रह्मा कहते हैं, चिंता मणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्ष लक्षा वृदेश सुरभि रविपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सतत संभ्रमं सिव्यमानम। झाड़ू लेकर खड़े रहते हैं कब प्रभु के हमारे ऊपर दृष्टि हो और हम वृंदावन में जाके झाड़ू करें। और वृंदावन में भी कहा पुण्यम मधुवनम यत्र, मधुवन में स्थान दिया। ये मधुवन क्या है? सूरदास जी कहते हैं कि एक कीर्तन है कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गए मधु गयोन के पास जी। ये साक्षात कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली यमुना जी। तो नारद जी ने दो अनुकूल परिवेश श्री प्रहलाद श्री ध्रुव महाराज जी को दिया और भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान किया। अब ध्रुव महाराज जी नारद जी को परिक्रमा करके प्रणाम करके सीधा वृंदावन गए। वृंदावन में मधुवन में जाके त्रिसंध्या स्नान आदि करके यमुना में स्नान करके ध्रुव महाराज जी बैठ गए। बैठ करके भगवान इस गुरु मंत्र को जाप करने लगे। कुछ दिन के बाद उनको प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे, आर्य में उनको साक्षात देवगण दर्शन होने लगे। अब ध्रुव महाराज जी भजन कैसे किए? बोले ध्रुव महाराज जी पहले महीने में कपित बेद्र फलितम, ध्रुव महाराज जी पहले महीने में केवल बेद और एक कैद का एक फल होता है वो क्या करते हैं ध्रुव महाराज जी तीन दिन में एक बार वो केवल खा लेते हैं। बोले दूसरे महीना में, बोले दूसरे महीना में उन्होंने फल खाना बंद कर दिया, फल खाना बंद कर दिया, बोले पत्ते खा लेते हैं। बोले वो भी कैसे पत्ते? जो पेड़ से अपने आप गिर जाते हैं ऐसे पत्ते खाना शुरू कर दिया। तीसरे महीने में ध्रुव महाराज जी ने पत्ते भी खाना बंद कर दिया और केवल पानी पी लेते हैं, सात दिन में एक बार केवल पानी पी लेते हैं। फिर चौथे महीना में ध्रुव महाराज जी ने पानी पीना भी बंद कर दिया। बोले कैसे क्या करते हैं? बस एक सांस में एक सांस ले लेते हैं, श्वास के द्वारा टिके। पंचम महीना हुआ ध्रुव महाराज जी सांस लेना भी बंद कर दिया। आप लोग आजकल के जमाने के लोग पूछेंगे भैया सांस लेते बिना लिए कोई बच सकता है? बोले हाँ बच सकता है। बोले क्यों? वो त्रेता युग है, वो सत्य युग है। उसी युग में अस्थिगत प्राण हमारा प्राण करेंगे लेकिन उसके हड्डी में प्राण बचा हुआ था, अस्थिमय प्राण था, इसलिए बिना सांस लिए वो लोग बिना सांस लिए ध्रुव महाराज जी रुक जाते थे। अब जैसे ही सांस लेना बंद कर दिया लोकपाल दीपपाल का स्वास्थ्य रुद्ध हो गया, सबका स्वास्थ्य रुद्ध हो गया, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। देवगण ऋषिगण सबके सब जाके भगवान के धाम में प्रकट हो गए। बोले भगवान को स्तुति करते हुए बोलते प्रभु आप इस भक्तों को इस बालों को कृपा क्यों नहीं करते? सारे सांस बंद हो गया है। जब छह महीना हुआ तो साक्षात सहस्र सिद्धसाध पुण्यम मधुवनम भृत्यम गत्या त्रिदुक्षया बालका त्रिदुक्षया गता। भगवान घबरा रहे जोर जोर से गरुड़ जी को बोल रहे, अरे गरुड़ जी जल्दी चलो जल्दी चलो। मतलब भरे सजना करके ठाकुर अभी जा रहे हैं, लक्ष्मी आदि देवियां इंद्र आदि देवता भगवान को पूछने, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो इतने हड़बड़ हो गए? प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं मधुबन जा रहा हूँ, मैं मधुबन जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? बोले मैं मधुबन जा रहा हूँ ध्रुव को दर्शन देने नहीं, स्वयं ध्रुव महाराज जी को मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। 5 साल के छोटे बालक ने ऐसा भजन किया, भगवान वैकुंठ से दौड़े हुए आ रहे, दौड़ते दौड़ते स्वयं कैसे आ गए। अब ध्रुव महाराज जी के सामने मधुबन में भगवान गरुड़ के पीठ पे विराजमान है, ध्रुव महाराज भगवान के नाम जप कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं अरे मैं तो सामने ही हूँ, और सामने होने पर भी ये ध्रुव महाराज जी आंखें नहीं खोल रहे। थोड़े ही जैसे ही ध्रुव महाराज जी के हृदय से अपने स्वरूप को भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया तब वहां पे ध्रुव महाराज जी बेचैन हो गए। बेचैन हो गए आंख जैसे ही खोले साक्षात भगवान को देखा, सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सघन चारु वंदनम नमामि नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान को बड़े सुंदर किरीट बड़े सुंदर कुंडल है,
ठाकुर जी के दिव्य जिस स्वरूप को वो नारद जी बताए थे, मन में जिस स्वरूप को ध्यान कर रहे थे, उस स्वरूप को देखा ध्रुव महाराज जी ने। लेकिन ध्रुव महाराज जी इच्छा कर रहे, भैया मैं थोड़ा भगवान का स्तुति कर लूं। अब ध्रुव महाराज जी कितने साल के हैं बताओ? 5 साल के हैं। 5 साल के हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। अब ध्रुव महाराज जी की इच्छा हो रही है कि मैं थोड़ा स्तुति कर लूं। तो वो भगवान सर्वंतर्यामी भगवान ध्रुव महाराज जी को भावना को जान के कृपा मई ब्रह्म कमे न कंबुना पप सवाल कृपया कपोले। भगवान अपने पंचजन्य संत को ध्रुव महाराज जी के गाल पर स्पर्श करवाया। जैसे ही पेड़ रूपी संत को गाल पर स्पर्श कराया, तब ध्रुव महाराज जी स्तुति करते हैं। जो अंत प्रविश्य मोह वाच मिमा प्रशोक्ता संजीवत किल शक्ति धर सुधामना अन्य हस्त चरण श्रवण तो अधीन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, कहां मैं छोटे बालक अधम मूर्ख मेरे जैसे के ऊपर आप कृपा करने से वैकुंठ से आ गए, और कहां मैं बुद्धिहीन आपके क्या स्तुति करूं? आपकी ही कृपा है प्रभु, आपने ही अपने पांच जन्य वेद रूपी संत के द्वारा मैं मुझ पर कृपा किए। और क्या बता रहे? अन्यश्च हस्त चरणा श्रवणाम तो गादिन। हे प्रभु, जगत के लोगों के जितने भी आप शक्ति देते हो, चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना हो, वो सब आपके ही कृपा है। बोले कैसे? देखना एक अंधे, अंधे को देखे हो भैया, उसको बड़ा सुंदर आंख है, लेकिन उसको अंधे क्यों बोलते हैं? बोले देखने की शक्ति। एक गुंगा बढ़िया जीव है, हमारा जैसे ही जीव है, लेकिन बोलने की शक्ति ठाकुर जी ने छीन लिया। इसलिए अन्य हस्त श्रवणम तो वादि। प्रभु, आप तो वो शक्ति स्वरूप हो, आप अगर किसी को शक्ति न दोगे, आपकी कृपा नहीं होगा, तो कोई जगत में कुछ पत्ता भी नहीं हिलेगा। अगर आपके कृपा हो गया, आपके अगर कृपा हो गया तो मोकम करो दिवाचारम पंगुलंधयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। प्रभु, आपकी कृपा से गुंगे भी बोलने लगते हैं, पंगु जो चल नहीं पाता वो बड़े बड़े पर्वत को लांघने लगते हैं, ये आपकी कृपा है। इस प्रकार ध्रुव महाराज जी ने पारा रोग के, जिसको सीधर गोस्वामी पाठ टीका में कहते हैं द्वादश आदित्य स्वरूप है, ये कवच स्वरूप है और इसको रोज पाठ करना चाहिए। ध्रुव महाराज जी ने 12 श्लोक करने के बाद भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ध्रुव, कुछ वरदान मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। तब ध्रुव महाराज जी क्या कहने, देखो प्रस्थानाभिलाषे तपसि स्थितो त्वं प्राप्तवन्ते मुने काचन विचिन्वान्नपि दिव्य रत्नम् स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरं न जाचे। देखो ध्रुव महाराज जी क्या मांग रहे कि प्रभु, मैं कहां कांच के टुकड़े ढूंढने गया, लालायित हो जाते हैं, आज वो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं प्रभु आपको और क्या मांगू? कृतार्थोऽस्मि, प्रभु आप मुझे कृपा करो, वरं न जाचे, मुझे कोई वरदान नहीं चाहते। अगर आप भक्ति मोह प्रभु बता तो मैं प्रसंग, आप क्या करो, मैं जो आपके भक्तों का संग दे दो। बोले कोई प्रश्न पूछेगा, भैया ध्रुव महाराज जी भक्त का संग क्यों मांग रहे, ठाकुर तो सामने स्वयं है। तो ध्रुव महाराज जी कह रहे, देखो प्रभु, आपके आप हत्या में उसी स्थान पर पुण्य रूप में विद्यमान करते हो। इस प्रकार ध्रुव महाराज जी ने वर प्राप्त करके जब घर में लौटते हैं, उत्तान पाद तो हाँ करके उसी समय ही उत्तान पाद ने अपने सारे संपत्ति सारे राज्य भार को त्याग करके वन की तरफ चले गए, वन की तरफ चले गए। बोले ध्रुव महाराज जी, छोटे मोटे भगवान ने भगवान किसी को देते तो 5-6 साल का कोई राजा नहीं बनाते, कोई एमपी एमएलए नहीं बनाते। भगवान जो देते, जब भगवान देते हैं तब छप्पर फाड़ के देते, हम सुने ना। तो भगवान ने ध्रुव महाराज जी को 36,000 साल तक राजा बनाया, 36,000 साल तक राज्य किया, राजत्व के ध्रुव महाराज जी। जब अंतिम समय हुआ ध्रुव महाराज जी, अंतिम समय में ध्रुव महाराज जी जिस समय
संध्या आने करके ध्रुव महाराज जी बैठे थे और इतने में ध्रुव महाराज जी को लेने के लिए साक्षात विष्णु दूत आ गए। साक्षात विष्णु दूत को देख करके विष्णु दूत बोलने लगे कि हे ध्रुव महाराज, 36,000 साल आपका पूरा हो चुका है, आप अभी स्वशरीर ही क्या करो, भगवान के लोक में चलो। अब इतने में ध्रुव महाराज जी देखा कि एक काला एक आदमी खड़ा है। बोले उनको पूछा, बोले कौन हो? वो बोलता है मैं साक्षात काल हूँ। बोले तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले आप मेरे सर के ऊपर प्रभु पैर रखकर चले, आप मेरे सर के ऊपर पैर रख करके चले। तब तो कालम शब्दम उदम तत्वा आरोहो तम अद्भुतम। बोले यहाँ पे अद्भुत शब्द का उच्चारण किया गोस्वामी जी ने, तो बता रहे क्या है वो। बोले अद्भुत चीज ये है, जगत के लोग काल को कितना डरते हैं, मरने को सब डरते हैं कि नहीं, मरने को सब लोग डरते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज जी काल के सर के ऊपर पैर रख करके भगवान के विमान पे विष्णु दूत के साथ भगवान के विमान में बैठे और भगवान के लोग जाने के लिए तैयार हो रहे, ये काल है। तो बिल्ली देखना अपने जिस समय शिकार करता है अपने मुंह में क्या करता है, चूहा को झपट लेता है, मुंह में दबदबा के रहता है कि नहीं। और चूहा मतलब क्या होता है, उस समय चूहा मर जाता है, लेकिन उसी बिल्ली जब अपने बच्चे को ले जाते हैं तब बताओ वही चूहा की तरह ही अपने बच्चे को ले जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे का मृत्यु नहीं होता, अपने बच्चों का मृत्यु नहीं होता। तो यहाँ पे बता रहे हैं भैया भगवान के भक्तों का भी मृत्यु नहीं होता। किस प्रकार काल स्वयं उनको चरण को जित सुनी थी, माता आ रहे हैं मुझे भजन के उपदेश दिया है, जित माता की कृपा से मैं आज इतने सब भगवान के दर्शन हुआ, 36,000 साल राज्य भोग किया और विमान पे बैठा हूँ, मेरी माता कहाँ है? तब विष्णु दूत कहते हैं अरे तुम जैसे पुत्र पाके वो माता धन्य हो गए, तेरे जैसे पुत्र पाके क्या वो माता अभी जगत में रहेंगे? देख तुझसे पहले ऊपर देख ध्रुव, तुझसे पहले ही तेरे माता और एक दिव्य विमान में धाम भगवान के धाम में जा रहे, भगवान के धाम में जा रहे। तो यहाँ पे बता रहे हैं देखो शिक्षा वाली बात ये है कि माता ने देखो हम लोग क्या करते हैं कि माता है कि हर समय ये उत्तरदायित्व रहना चाहिए कि माता पिता अपने बच्चे को उचित संस्कार दे, उचित शिक्षा दे, उचित संस्कार दे और उचित शिक्षा दे। अगर उचित संस्कार और उचित शिक्षा माताएं नहीं देंगे तो क्या होगा, वो पिता कुलांधा रहेगा, वो पिता कुलांधा, वो पुत्र कुलांधा रह जाएगा, वो पुत्र पुत्र नहीं रहेगा, वो पुत्र आपको भ्रष्ट कर देगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप पुत्र के लिए यहाँ पे कमा के रख के मर जाओ, पुत्र अगर लायक होगा तो खुद कमा लेगा, अगर नालायक होगा तो आप जितने कमाए वो सारे के सारे नष्ट कर देगा, जुआ खेलेगा, मदिरा पिएगा, बेसेबाजी करेगा, ये सब कार्य करेगा। इसीलिए माता है यहाँ पे सुमित्री माता ने ध्रुव महाराज जी को भजन की शिक्षा दी है। तो माता है और पिता है, मतलब अपने पिता माता ही बच्चे को उचित संस्कार देना चाहिए। तो देखो एक समय की बात है, पुराणों में एक कथा आता है, कोई एक समय कोई स्वर्ग में एक आलट चामर हो रहा है और उनका बड़ा फूल माता से स्वागत कर रहा है, लेकिन उनके मन बड़े भरिए। इतने में कोई उनको पूछा कि भैया आप दुखी क्यों हो रहे, आप दुखी क्यों हो रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं तो अपने पुण्य से स्वर्ग आ गया, लेकिन मैं अपने बच्चे को सत्कर्म अलग भोग क्या आज करता, ये अंतिम है, कल से मैं भोग नहीं करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि कल से मेरे घर में एक वैष्णव बच्चा पैदा होगा जो मेरे कुल को उद्धार करेगा, जो मुझे रक्षा करेगा। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है, हम लोग बड़े बड़े स्टार बनना चाहते हैं, बड़े बड़े मॉडलर्स बनना चाहते हैं, कि बॉलीवुड हीरो और हीरोइन को बड़े फॉलो करना चाहते हैं। बताओ ये हीरोइन कितने दिन रहेंगे, कोई रहे हैं? बताओ कोई रहे हैं? थोड़े से कुछ हो जाएंगे तो उनको तरफ हम देखेंगे भी नहीं, उनके तरफ हम देखेंगे भी नहीं, ऐसी स्थिति है। तो ये माताएं का उत्तरदायित्व है कि हर दिन हर दिन क्या करे कि अपने घर में अपने बच्चों को उचित संस्कार दे। बोले उचित संस्कार देंगे कैसे? माताएं पिताएं अगर भैया लोग खुद करेंगे तभी जाके तो बच्चे सीखेंगे,
यार बात नहीं मानते क्या करे। अरे गुरुदेव कहते हैं तुमने कभी रामायण पढ़ा है? तुमने कभी रामायण पढ़ा है? तुमने खुद रामायण पढ़ा नहीं, रामायण से शिक्षा लिया नहीं, तो तुमने खुद आचरण किया नहीं, तो तुम्हारे बच्चे क्या बात करेंगे? तुम्हारे बच्चे किसको देख के सीखते हैं? हमारे बच्चे हमको ही विशेष करके देख कर। इसलिए एक एक विधि बताया करो, रोज रोज उनको, जब तक माताएं आपके हाथ में सब कुछ है, माताओं को बोला जाता है लक्ष्मी, माताएं होते हैं शक्ति। आप अगर बढ़िया बढ़िया ठाकुर को भोग लगा कर बोलो, आप अगर बढ़िया भगवान के भजन कर, तभी जाके खाना मिलेगा। भैया आप ऐसे अपकर्म मत करो जो आपके माता पिता को धर किए जाए, आप ऐसे अपकर्म मत करो। आप लोग हमारे धर्म के, हमारे सनातन धर्म के एक छोटे छोटे मुसलमान बच्चे को देखो, एक क्रिश्चियन बच्चे को देखो, अपने धर्म के प्रति कितने सजग हैं, और हम लोग कितने सजग हैं। हम लोग अपने धर्म के प्रति बिल्कुल सजग हैं, उल्टा कोई धर्म के प्रचार करते हैं तो हम लोगों के टांग देते हैं। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने धर्म को प्रचार करें। एक दो साल पहले की बात है, सावन की महीना है, तो मैं बता देता हूँ, न्यूज में शायद आप लोग देखे होंगे, एक मुसलमान कुछ कावलियां भक्ति बोलबम करते हुए मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर पानी लेते हैं, भगवान के सिर के ऊपर पानी देने के लिए लेके जा रहे हैं, करीब 500 से भी ज्यादा थे। तो एक समय हमारे जो इंडियन मुसलमान कम्युनिटी का जो हेड है इस समय जाकिर नायक, वो उसी रस्ते देवी हैदराबाद से कुछ काम से जा रहे थे। देखो ध्यान से सुनो, तो लोग ने देखा कि लोग क्या कर रहे, भैया नहीं ये लोग शिव जी को पानी देने जा रहे। इतना भक्ति, एक को पूछा भैया कहाँ से आ रहे हो, एक को पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो, एक को पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो, बोला कि मैं अमुक दूर से आ रहा, पता चला कि 100-200 किलोमीटर से पैदल चलते हुए आ रहे। अब इतने में उसने सोचा कि इतने अगर हिंदुओं में निष्ठा है, इनको अगर मुसलमान कर दिया जाए तो कितना प्रचार करेंगे हमारे मुसलमान। तब उन्होंने सारे सारे अपने कार रोक करके जाकिर नायक ने पूरा 500 हिंदुओं को ऐसे मंत्र मंत्र पाठ पढ़ा करके पूरा 500 मुसलमान बना दिया। सच्ची घटना है ये। ऐसे अगर बनता रहेगा, ऐसे अगर बनता रहेगा तो एक दिन हमारे भारत से हमें खड़े कर देंगे। अभी अभी एक मूवी आया था, आप लोग देखे होंगे, कश्मीरी फाइट, कश्मीर में लेके पंडितों को खड़े कर दिए, कहते हैं कि हमारा राज्य है, हमारा देश है, हमारा देश से हमको खदेड़ दिए। ऐसे अगर हम अगर सनातन धर्म के ऊपर सजग नहीं होंगे तो हमें भी खदेड़ देंगे। इसलिए मैया का ये उत्तरदायित्व है कि माताएं क्या करें, रोज अपने बच्चों को अच्छी संस्कार दें, एक नाम माला जाप किए बिना भोजन नहीं दें, रोज गीता रामायण पाठ करें, खुद पाठ करें और बच्चे को भी पाठ करवाएं, और बच्चों को भाइयों को भी एक उत्तरदायित्व है, भैया हमारे मैया के पापा है, मातृऋण पितृऋण ये कभी नहीं चुका सकते हो, ये कभी भी चुका नहीं सकते हो। काशी विश्वनाथ में देखना, एक मंदिर है, तो 80 घाट के पास एक मंदिर है, तो उस समय राजा विक्रमादित्य ने एक मंदिर बनाया। काशी में सारे मंदिर बढ़िया है, लेकिन एक मंदिर धसा हुआ है, एक मंदिर धसा हुआ है, देख लेना काशी कोई आवे तो, काशी विश्वनाथ में। तो राजा हरिश्चंद्र ने बड़े ब्राह्मणों को संकल्प करवाया, और संकल्प करते हुए वो हाथ में जल लेके बोलते हैं कि मैं पितृ मातृ ऋण से मैं बच जाऊं, मातृ पितृ ऋण मुझसे बच जाऊं, मां पितृ मातृ ऋण से मैं क्या करूं, मेरे ऊपर कर्ज ना रहे। इतने कहकर ये जल छोड़ दिया तो वो मंदिर धस गया। इसलिए पितृ मातृ ऋण से कभी भी कोई बच नहीं सकते। इसलिए भाइयों को भी अपने उत्तरदायित्व है, भाइयों को भी एक जिम्मेदारी है कि भैया हम भी भजन करें, ताकि हम भजन करेंगे तो हमारे माता पिता भी उनको अच्छे करते हो, वो भी नरक जाने नहीं पड़े। इसी प्रकार ये धूप महाराज जी का चरित्र है। बोलो धूप महाराज जी की जय। जय श्रीराम श्रीराम क्या रामारटत्रयी भवकटिया कोकिजा
जितने